छोटा चम्मच बेसन, एक बड़ा चम्मच गेहूं का आटा और एक बड़ा चम्मच सूजी, और ये है बादाम और किशमिश, और ये है एक कटोरी घी, दो बड़े चम्मच चीनी, और एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। अभी हम बनाने जा रहे हैं हलवा। पहले हम बेसन डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे सूजी, गेहूं का आटा। अभी हम इन सब चीज़ों को भून लेंगे, अच्छे से ब्राउन होने देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं ये ब्राउन हो रहा है, इसको मैंने फुल आंच पे पकाया है, मगर इसको हिलाते नहीं क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म हो जाएगी तो ये जल भी सकता है। इसको अच्छे से ब्राउन होने, अभी हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, ये दो बड़े चम्मच हैं। अभी मैं इसमें दो बड़े चम्मच घी ऐड करूंगी, भून लेंगे हम अच्छे से। अभी इसमें हम डालेंगे एक बाउल भर के पानी का, ये बन गया है तकरीबन। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे बादाम और किशमिश, अभी इसे हम थोड़ी देर और होने देंगे, ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। ओके, ये गाढ़ा हो गया अच्छे से, आप देख रहे हैं इसका रंग ब्राउन लग रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से बन गया है, ये बहुत टेस्टी है खाने में, ये बच्चों को भी खिलाएं। अभी मैं इसे बाउल में सर्व करूंगी, मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें सब कुछ डल चुका है। आप खुद खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। देखिए ये है बेसन सूजी और आटे का हलवा, जो देखने और खाने में बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।